हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, क्योंकि कई सारे कमेंट्स और पर्सनल ईमेल भी आया है जिस पे लोगों ने पूछा है कि किस सेंसर कैसे होता है, इसके बारे में बेसिक जो जानकारी होता है। हालांकि एक ऑफिशियल काम है, लेकिन बेसिक क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या जो प्रोसेस है, इसके बारे में बताने के लिए। तो आज मैं आपको फिल्म का सेंसर, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर जिसका आप सेंसर करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना टाइमिंग लगेगा, क्या खर्चे होंगे, हर एक चीज़ के बारे में मैं आज पूरे डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड तक, तभी जाके आप समझ सकते हो, क्योंकि जब आप पूरे वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा सेंसर का पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, इंडिया में किसी भी फिल्म को रिलीज करने के लिए, थिएटर रिलीज करने के लिए सेंसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हालांकि एक नया गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट जारी करने वाली है, जिसमें कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उस सब का भी एक प्रकार से सेंसर ही होगा, क्योंकि उसके कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे जो सेंसर के इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि उसमें भी आप क्या कंटेंट डालते हो ये आपको वेरीफाई कराना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी कई सारे तांडव या और भी कई सारे प्रोजेक्ट को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक मीडिया से बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी नए गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि सेंसर कितने प्रकार का होता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो, या फिर आई बटन में भी आप देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं कि सेंसर, किसी भी फिल्म का सेंसर करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप सेंसर कराना चाहते हो किसी भी फिल्म का, तो अगर आप खुद प्रोड्यूसर हो तो आपको प्रोड्यूसर का कार्ड होना ज़रूरी है। चाहे वो इम्पा हो, विम्पा हो, किसी का भी आपको कार्ड होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास प्रोड्यूसर का कार्ड नहीं है तो आप फिल्म का सेंसर नहीं करा सकते हो। जो प्रोड्यूसर होता है वही फिल्म का सेंसर करा सकता है। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा एक फिल्म का सेंसर करने के लिए। तो सबसे पहली बात, सेंसर वही करा सकता है जो प्रोड्यूसर है, यानी कि आपको प्रोड्यूसर का कार्ड चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, ईमेल आईडी चाहिए होगा, और साथ में आपका एक मोबाइल जो आप हमेशा यूज करते हो, क्योंकि OTP उस पर आएगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तभी जाके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए CBFC सेंसर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन का जो वेबसाइट है, CBFC पे www.cbfc.com अगर आप डालेंगे, उनका वेबसाइट ओपन होगा, आपको वहां पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन आएगा, उस पे जाके आपको रजिस्टर्ड करना होगा। फ्रेंड्स, आपको CBFC के वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए, यानी कि अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, आपको सिंपल सा गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है www.cb। जैसे ही मैंने टाइप किया CBFC, ये देखिए cbfcindia.gov.in, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नए इंटरफेस पे आप आ जाएंगे, ये ओपन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है ऑनलाइन फिल्म एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके करना है, देन ये उसके वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा प्रॉपर, जहाँ पे हम अपना डिटेल्स यानी कि अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइनअप लिखा हुआ है, आपको साइनअप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, एप्लीकेशन डिटेल्स है, इसमें आपको टाइटल फिल्म का, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, नेम ऑफ प्रोडक्शन हाउस, ईमेल, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, पैन, टैन और यूजर आईडी एंड प्रोड्यूसर आइडेंटिटी नंबर, ये आपको डिटेल डालना है। और इसके बाद जो सारा प्रोसेस है आप नेक्स्ट कर करते, क्योंकि बिना डिटेल डाले हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप डालोगे फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद जो भी ऑप्शन आएगा उसे आपको फॉलो अप करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, जिस तरीके से आप
किसी अदर वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको इस पे भी क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक बार रजिस्टर्ड जब आप हो जाएंगे, यानी कि आप अगर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपका सारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि मैं आगे आपको बता रहा हूँ। आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, उसमें सारे ऑप्शन आपको बताए जाते हैं। जनरली जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आपको तब जाके आप लॉगिन हो सकते हो, और जब भी आप रजिस्टर्ड करोगे तो आपके पास एक पासवर्ड जनरेट होगा उधर से। वो पासवर्ड आपको मेल में सेंड किया जाएगा और आपके मोबाइल पे भी OTP और साथ में वो पासवर्ड भी आएगा, जो आपको हमेशा याद रखना होगा, और चाहिए तो बाद में आप उसे चेंज भी कर सकते हो। तो ये है पहला प्रोसेस कि आपको लॉगिन करना। सबसे पहले सेंसर के लिए आपको प्रोड्यूसर को लॉगिन करना होता है उनके वेबसाइट पे, क्योंकि अभी सब कुछ ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गया है। तो आपको पहले ऑनलाइन जाके उनके वेबसाइट पे लॉगिन होना पड़ता है। लॉगिन होने के बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। जब आप उनके वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, उसके एक वीक यानी विद इन अ वीक आप एप्लीकेशन दे सकते हो अपनी फिल्म के सेंसर के लिए। एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ जो उनके क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पूरी फिल्म का स्क्रिप्ट आपको देना पड़ेगा, जो टाइप्ड हो और साथ में TCR डाला हो। तो इसके लिए जनरली क्या होता है, जो भी आपकी फिल्में होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग एजेंट हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, आपको पूरी फिल्म का एक एक डायलॉग जो फिल्म में जो फाइनल कट में बोला गया है, वो सारे डायलॉग आपको नोट डाउन करना होता है, बाद में उसको टाइप करवा के, और टाइप करवाते समय आपको देख के उसमें मार्किंग यानी कि TCR दिया जाता है कि किस TCR पे क्या डायलॉग बोला गया है। वो सेंसर में ज़रूरत पड़ता है, इसलिए TCR के साथ आपको स्क्रिप्ट जमा करना होगा। दूसरा, अगर आपकी फिल्म है और उसमें गाने हैं तो गाने का अलग से आपको स्क्रिप्ट बना के उनको देना पड़ेगा। तीसरा, आपके फिल्म में जितने भी कास्ट एंड क्र्यू हैं उन सबका एक डॉक्यूमेंट बना के आपको जमा करना पड़ेगा। और चौथा, फिल्म का सिनॉप्सिस, यानी कि आपके फिल्म का जो सिनॉप्सिस है, स्टोरी है, वो आपको मेंशन करके ये सारा पेपर वर्क करने के बाद, ये चार पेपर वर्क करना पड़ेगा, और तब जाके आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपकी फिल्म है तो आपको फिल्म का जो टाइटल है, जो आप जिस प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबर हो वहाँ से आपको मिलेगा, उसका टाइटल का लेटर आपको चाहिए होगा, और साथ में पब्लिसिटी डिजाइन, दैट मीन्स कि फिल्म का जो पोस्टर है, एटलीस्ट दो पोस्टर जो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आप जिस एसोसिएशन के मेंबर हो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, वहां से आपको रजिस्टर्ड करके वो मिलेगा। ये पब्लिसिटी डिजाइन और साथ में फिल्म का टाइटल का जो लेटर होता है, ये दोनों आपको प्रोड्यूसर एसोसिएशन से मिलेगा, वो साथ में आपको देना पड़ेगा। सारा एप्लीकेशन के जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सब जब आपके पास हो जाए, फिर उसके बाद आप उनके वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है। जो पहले आपने रजिस्टर्ड किया है उसी सेम ID और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये सारा चीज़ आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद CVFC का फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पे कॉलम होता है, उस फॉर्म को जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा वो सारा डिटेल्स आपको भरना है। उसके बाद वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, वो आपको फिल्म के लेंथ के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। और जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, उसके बाद वहाँ से आपको CVFC की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है, और उसमें आपको कन्फर्मेशन होता है कि आपका जो फॉर्म आपने सबमिट किया, एप्लीकेशन दिया है, वो सब सैंक्शन हो गया है उसका। और उसके बाद आपको CVFC की तरफ से ट्रायल का एक डेट कंफर्म किया जाता है। ट्रायल का डेट कंफर्म होने के बाद आपको ट्रायल के लिए जाना होता है। जब ट्रायल का डेट कंफर्म हो जाता है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन पे आ जाता है, उसके बाद आपको ट्रायल के लिए जाना होता है। ट्रायल में जाने के लिए आपको DCP यानी डिजिटल सिनेमा पैकेज बोलते हैं, एक फाइल जो एडिटर जो भी पोस्ट प्रोडक्शन होता है वहाँ से आपको बना के दे दिया जाता है। इसके 5-6 हज़ार के आसपास कुछ लगता है, कंफर्म नहीं कह सकता, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो DCP फाइल आपको बना के उनको लेके जाना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कंफर्म डेट मिल गया है, उसके बाद अगर आप नहीं जाते हो सेंसर बोर्ड के ऑफिस में ट्रायल के लिए, तो आपको या तो जेन्युइन कॉज बताना पड़ेगा कि आपने क्यों डेट को कैंसिल किया है कंफर्म डेट को, या फिर आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। कंफर्म डेट पे अगर आप उपलब्ध होते हो तो आपके सामने ट्रायल किया जाएगा, उसमें उनकी टीम होती है, जिस लैंग्वेज की है वो एक्सपर्ट होते हैं, और भी उनके
कुछ टीम होती है, कंफर्म मैं नहीं बता सकता टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, वो टीम आपकी फिल्म को देखते हैं, एक एक डायलॉग को लोग चेक करते हैं कि इसमें कुछ भी अपशब्द तो नहीं बोला गया है, उसी के आधार पर फिल्म का कैटेगराइजेशन किया जाता है आपके सीन्स को देख के कि फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। और इस बीच में क्या होता है कि अगर कोई भी आपत्तिजनक शब्द या कोई भी सीन अगर वहाँ पर दिखाया जाता है आपके फिल्म में, तो सेंसर बोर्ड आपको उसको बोलेगा कि कट करके लाने के लिए, उसे सेंसर कट कहते हैं हम, तो फिर से आपको एडिटर जो आपका फिल्म एडिट किया है वहाँ पे आपको जाना होगा, और वहाँ जाने के बाद आपको वो सारे सीन या डायलॉग जो हैं वो आपको कट करना पड़ेगा, और साथ में जितना सीन जो जिस सीन पे कट हुआ है उसके DVD भी बना के आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। जब आपका ट्रायल फाइनल हो जाता है, सेंसर कट अगर नहीं आया है या अगर आया है उसके बाद का अगर ट्रायल आपको ख़त्म हो जाता है तो लोग सीलिंग के लिए जाता है, यानी कि आपके जितने भी जो आप हार्ड डिस्क, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, DCP फाइल आपको एक हार्ड डिस्क में ही देना पड़ेगा जो सेंसर बोर्ड में ही जमा करना पड़ेगा, तो वो हार्ड डिस्क और सारे डॉक्यूमेंट्स को सील किया जाता है। एक बार सीलिंग जब हो जाता है तो कभी कभी अपवाद में होता है कि अगर उनके अफसर अगर नहीं हैं या फिर कहीं आउट ऑफ स्टेशन है तो लेट हो सकता है, और मोस्टली आपको सेम डेट अगर कोई इश्यू नहीं है तो सेम डेट या फिर विद इन अ वीक आपके फिल्म को दे दिया जाता है। फिल्म का सेंसर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 1-1.5-2 महीने तक लग जाता है इस सेंसर सर्टिफिकेट लेने में, क्योंकि काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए अगर आपको फिल्म अर्जेंट में रिलीज करनी है तो उसके भी प्रावधान है, आपको कुछ अलग से चार्ज देने पड़ेंगे और आपका ट्रायल फास्ट ट्रायल किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। और अगर आप फिल्म को जल्दी रिलीज करना चाहते हो तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि 1.5-2 महीना पहले ही आपको लॉगिन कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि लॉगिन होना मायने रखता है, क्योंकि अगर आप एक बार आप वहाँ पे उनके वेबसाइट पे अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आप बड़ी आसानी से आप एप्लीकेशन डाल सकते हो फिल्म के सर्टिफिकेट के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरे भारत में 9 सेंसर बोर्ड है, मेन है मुंबई में, हेड ब्रांच है, हेड ऑफिस है, लेकिन आप अगर मुंबई में या फिर दिल्ली में कहीं भी अगर आप करते हो तो वहाँ का एक लोकल एड्रेस आपको जमा करना ही होगा, या फिर आपके आधार कार्ड पे वो एड्रेस हो, या फिर आपका ऑफिस का एड्रेस हो, या लीव लाइसेंस का एड्रेस, लोकल एड्रेस आपको ज़रूरी है, जिस शहर में आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो उस शहर का लोकल एड्रेस आपको लगाना ही होगा लॉगिन के समय। हालांकि सेंसर बोर्ड की खासियत ये है कि अब हर चीज़ ऑनलाइन कर दिया गया, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो वो एजेंट भी बहुत सारे आपको एजेंट हैं जो सेंसर करा के आपको देते हैं, उनका एक कुछ मिनिमम उनका भी चार्जेज होता है जो मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूं, तो वो अपना कुछ चार्ज लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनको देने पड़ेंगे और वो आपके लिए भागदौड़ करेंगे, सेंसर बोर्ड जब जाना है कब क्या करना है वो सारा काम उनका लुकआउट होगा और वो सारा काम करा आपको सेंसर सर्टिफिकेट दिलवा देंगे। तो आप चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सारा काम ऑनलाइन होता है, या फिर किसी एजेंट से बात कर सकते हो और आप उनके थ्रू भी सेंसर करवा सकते हो। अब अगर हम बात करें कि फिल्म के सेंसर का बजट क्या होता है, तो बजट की अगर हम बात करें तो ये फिल्म के लेंथ के हिसाब से आपका बजट डिसाइड होता है, हर 10 मिनट का एक अलग बजट होता है, और 10 मिनट से जैसे ही अगर आप 2 सेकंड भी अगर आपका ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका एक अलग चार्जेज आपको देने पड़ेंगे। ओवरऑल अगर हम चार्ज की बात करें, जो हम लोग फिल्म सेंसर कई सारे, बेसिकली मैं एडिटिंग भी करता हूँ, एडिटर भी हूँ, तो कई सारे फिल्मों का सेंसर मैंने करवाया भी है एजेंट के थ्रू से, किसी भी फिल्म चाहे ओरिजिनल हो या हिंदी फिल्म के सेंसर का जो चार्जेज होता है एवरेज 50,000 से 55,000 के आसपास आपको देने पड़ेंगे। ये कन्फर्म मैं अमाउंट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये टाइम के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, तो 50,000 से 55,000 रुपये आपको चार्जेज होंगे, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेज आपको 50,000 से 55,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे सेंसर सर्टिफिकेट के लिए। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू काम कराते हो तो एजेंट का, क्योंकि वो भागदौड़ करते हैं, वो मेहनत करते हैं आपके लिए, आपके सारे लुकआउट को वो अपने ऊपर लेता है और आपका काम करा के देता है, तो उनका जो भी मेहनताना जो चार्जेज एक होता है वो हर किसी का अलग अलग चार्ज, और आपके रिलेशन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चार्ज वो करते हैं। तो फिल्म सेंसर से जुड़ी सारी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, जो बेसिक जानकारी होता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या टाइमिंग, कितने चार्जेज, ये सब मैंने कोशिश की इस वीडियो में बताने का। इसके बावजूद भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास या फिल्म सेंसर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपके सारे कमेंट का जवाब
ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक आपका कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है कि और बेहतर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं इस चैनल पे। क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ गया हो कि मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर जो लोग हैं बहुत सारी जानकारी नहीं है करियर रिलेटेड, यानी कि आप चैनल पर देखोगे तो एक प्लेलिस्ट भी है बॉलीवुड करियर सपोर्ट, जिसमें मैं हमेशा बॉलीवुड में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ, नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डालता रहता हूँ, और भी बॉलीवुड की जितने भी वायरल अपडेट्स होते हैं वो सब से मैं हमेशा आप तक लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हो और आप बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह के वीडियो और भी अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।